देहरादून में उद्यान विभाग के निदेशक हरविंदर सिंह बवेजा पर जांच मामले में बीजेपी प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कटिबद्ध है। तो उद्यान निदेशक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई तो मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को निर्देशित कर उद्यान निदेशक के खिलाफ जांच बिठाने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी ने कई कार्यक्रम प्रदेश में निर्धारित किए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यभार को ग्रहण करते हैं और देश में अनेकों विकास कार्य के काम किए हैं, वहीं अब प्रदेश की 6 जगह पर बड़ी गोष्ठी की जाएगी और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा के साथ कई अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर एक भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए, शासन देने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और इसी क्रम में जब निदेशक उद्यान के बारे में शिकायत प्राप्त हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी को निर्देशित किया गया कि इस पर जांच बिठाई जाए, और इस पर जांच बिठाई गई। निश्चित रूप से कुछ ही समय पश्चात उस जांच में जो भी सामने आएगा तो और उसके पश्चात ही उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।